आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसमें लोगों का करोड़ों रुपए लगा है और माना जाता है कि वो कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देती है, मगर वो प्रॉफिट के पीछे वाकई कोई कारोबार है या बस वही पॉन्जी स्कीम की एक नई शक्ल। जी हाँ, हम बात करेंगे हीरा गोल्ड के बारे में कि क्या हीरा गोल्ड एक जेन्युइन कारोबार है या फ्रॉड या वही पॉन्जी स्कीम। पहले तो हम ये समझते हैं कि पॉन्जी स्कीम क्या होती है। इसी कुछ मिसाल जो हमें मिलती है, अप्रैल 2013 वेस्ट बंगाल में शारदा स्कैम एक्सपोज हुआ। शारदा इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसकी 200 कंपनीज थी, 17 लाख इन्वेस्टर्स थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट देती थी, लेकिन एक बोगस स्कीम थी, 30,000 करोड़ का फ्रॉड। जब पता चला तो लाखों घर उजड़ गए, 82 लोगों ने खुदकुशी की और इनमें से अक्सर उनके एजेंट्स थे जिन्हें इन्वेस्टर्स ने आके पकड़ा। और 7 साल तक ये स्कैम चलता रहा। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का साथ था, इनके सारे प्रोडक्ट्स, बिजनेस, गोडाउन सिर्फ दिखाने के लिए थे, उनमें कोई रियल प्रॉफिट नहीं होता था, सिर्फ बाद वालों का पैसा लेकर पहले वालों को प्रॉफिट देते थे। जनवरी 2016 पर्ल स्कैम पकड़ा गया। तकरीबन 20 साल तक ये स्कैम चलता रहा, 20 साल तक 5.5 करोड़ इन्वेस्टर्स, लेकिन कोई हकीकी बिजनेस नहीं था। शारदा और पर्ल पॉन्जी स्कीम थी, ऐसे कई सारे स्कैम इंडिया में रेगुलरली होते आए हैं। ये सारे स्कैम बाद वालों से पैसे लेकर पहले वालों को प्रॉफिट के नाम में दे देते थे, लेकिन जब बाद में इन्वेस्टर्स आना बंद हो गए और पैसा आना बंद हो गया तो इन कंपनीज का स्कैम पकड़ा गया। इन सब स्कैम के कुछ सिर्फ दिखाने के बिजनेस थे, लेकिन रियल बिजनेस नहीं था। ये सब बहुत डोनेशन और स्पॉन्सरशिप भी देते थे ताकि लोगों की अच्छी फीलिंग्स इनके लिए रहे। इन सब के साथ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस दिखते थे, सबको बड़े बड़े इनाम और अवार्ड भी मिले, लेकिन जो प्रॉफिट वो अपने इन्वेस्टर्स को देते थे वो असल में प्रॉफिट नहीं बल्कि बाद वालों का लाया हुआ मुद्दल पैसा था। इसीलिए जब भी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जानना जरूरी होता है कि वो बिजनेस हकीकी है या बाद वालों का पैसा पहले वालों को देने वाला स्कैम है। अब हीरा गोल्ड के बारे में कुछ सवाल। हीरा गोल्ड का दावा है कि हीरा गोल्ड वर्ल्ड की टॉप गोल्ड सप्लायर्स में, लेकिन हीरा गोल्ड की कोई भी कंपनी वर्ल्ड के टॉप 10 गोल्ड कंपनीज में नहीं है। 24hoursgold.com पर 3000 दुनिया की गोल्ड सिल्वर कंपनीज की डिटेल्स हैं, लेकिन हीरा गोल्ड की कोई भी कंपनी उसमें नहीं है। हीरा गोल्ड का दावा है कि वो लोग गाना से गोल्ड डस्ट खरीदते हैं, फिर गोल्ड के बार्स बनाते हैं, फिर दुबई में बेचते हैं, लेकिन आज तो सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप investingnews.com और दूसरी वेबसाइट्स पर देखें, हीरा गोल्ड की कोई भी कंपनी गाना की भी मेजर गोल्ड कंपनीज में नहीं है, ना गाना की जूनियर गोल्ड कंपनीज में है। वर्ल्ड की छोड़िए, गाना की ना तो मेजर गोल्ड कंपनीज में, ना गाना की जूनियर गोल्ड कंपनीज में। ऐसा क्यों? हीरा गोल्ड के हर स्टेट में हजारों एजेंट्स हैं जो हर महीने सैकड़ों करोड़ जमा करते हैं लोगों के पास से अपने कमीशन के लिए। हीरा ERP वेबसाइट उनके एजेंट्स के लिए है। इसके 20,000 से ज्यादा मंथली विजिटर्स हैं, यानी कि हीरा गोल्ड के 20,000 से ज्यादा ही एजेंट्स हैं, क्योंकि कई एजेंट्स तो फोन पर ही अकाउंट की मालूमात कर लेते हैं। इतने सालों में कितना पैसा उनके पास है? उनके एक मैनेजर के मुताबिक कुछ साल पहले उनके पास 10,000 करोड़ थे, अब अंदाजन 50,000 करोड़ से ज्यादा होंगे। हीरा गोल्ड में अगर हम गिनते हैं कि 10,000 करोड़ इन्वेस्टेड है, इसमें कितना सोना आता है? सोना 25 लाख रुपए किलो है रफली। इसमें 40,000 किलो सोना खरीदा जा सकता है, मतलब तकरीबन 40 टन। हीरा गोल्ड हर महीने डीलिंग करता है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब साल के 480 टन। लेकिन इतना सोना तो गाना में निकलता ही नहीं है। गाना वर्ल्ड के 10 नंबर गोल्ड प्रोड्यूसिंग नेशन है। हर साल पूरे गाना की सारी माइंस मिलकर 90 टन सोना निकालती है। 480 टन की डीलिंग करने के लिए हीरा गोल्ड को पूरा गाना के सारा गोल्ड खरीदना होगा और 3-4 और बड़ी कंट्रीज का पूरा गोल्ड। लेकिन गाना की मेजर और माइनर कंपनीज गाना का सारा गोल्ड खरीद लेते हैं तो हीरा गोल्ड के लिए क्या बचा? हीरा गोल्ड जब इतने सारे टन गोल्ड गाना से दुबई ले जाता है तो उसके पास एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ही। प्लीज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन से साबित करें कि आप सच में गाना से दुबई गोल्ड ले जाते हैं। उनके एक एजेंट ने कहा कि हीरा गोल्ड के लोग बैग में डालकर गाना से दुबई गोल्ड लाते हैं। इतने हजार किलो सोना कौन सी बैग में डाल सकते हैं? एयरलाइंस में बैग में डालकर सोना ले जाना मना है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट होना लाजिम है। जब इतना सारा गोल्ड बेचा जाता है तो बैंक रिकॉर्ड से साबित करें कि दुबई में इतनी डीलिंग्स होती है। दुबई में तो इनकम टैक्स प्रॉब्लम भी नहीं है, वहां तो बता सकते हैं।
हीरा टेक्सटाइल्स में कुछ साल से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, साल में एक बार प्रॉफिट तकरीबन 60% सालाना। टेक्सटाइल चाइना से खरीद कर जब दुबई ले आते हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इतने करोड़ की टेक्सटाइल्स जब बेचे जाते हैं तो बैंक अकाउंट भी होगा, क्या दुबई का कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है? अब हम बात करते हैं हीरा प्योर ड्रॉप्स के बारे में। कहाँ है इसकी फैक्ट्री? इंडिया के टॉप वाटर सप्लायर्स में हीरा प्योर ड्रॉप्स नहीं है। क्या इस कंपनी की कोई ऑडिट रिपोर्ट है? हीरा प्योर ड्रॉप्स कितना पानी पैकेज करती है, इसकी कोई डिटेल्स मौजूद नहीं। क्या इंडिया की कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहां बहुत ज्यादा प्योर ड्रॉप्स बिकता है? प्योर ड्रॉप्स की फैक्ट्री में कितने स्टाफ काम करते हैं? प्योर ड्रॉप्स की वेबसाइट के होम पेज पर सीईओ की इन्फॉर्मेशन तो दी है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए कुछ बॉटल्स कहीं से पैकेज करके लाई जाती है और बांट दी जाती है? और ये कंपनी का टोटल सेल कितना है? हीरा फूडेक्स में इन्वेस्टर्स को 70% सालाना प्रॉफिट दिया जाता है, लेकिन कहां पर ये प्रोडक्ट्स बिकते हैं? हीरा फूडेक्स में ऑनलाइन ऑर्डर फैसिलिटी नहीं चल रही है। हीरा फूड बाजार वेबसाइट होम पेज पर एड टू कार्ट बटन नहीं चल रहा है, एक भी सेल एंड डिलीवरी रिव्यू इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है जैसी दूसरी शॉपिंग वेबसाइट्स में मिलते हैं। अब तक कार्ड पेमेंट फैसिलिटी भी नहीं है, ऐप को सिर्फ 100 लोगों ने इंस्टॉल किया है। जाहिर सी बात है कि सेल शायद ही थोड़ा होता होगा, लेकिन दावा यह है कि हीरा फूड बाजार इज वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन सुपरमार्केट्स इन इंडिया। टोटल 6 से 8 प्रोडक्ट्स है, ऑर्डर करने पर ऐप क्रैश हो जाता है। टोटल सेल कितना है कोई अंदाजा नहीं। एक फैक्ट्री की फोटो भी दी हुई है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सेम फोटो दूसरी वेबसाइट्स पर भी मौजूद है। ये इंटरनेट से उठाकर डाली गई फोटो है। लोगों का कहना है कि हीरा फूडेक्स के प्रोडक्ट्स दुबई में बिकते हैं, सवाल यह है कि कहां? आज सारी चीजें इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। हीरा फूडेक्स की फैक्ट्रीज इंडिया में कहां है, उनमें कितने स्टाफ है, मार्केटिंग स्टाफ कितने हैं, जब बिजनेस हो रहा है तो टर्नओवर बैंक अकाउंट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से साबित करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रोडक्ट्स और वेयरहाउस सिर्फ दिखाने के लिए हैं? ऐसे फूड आइटम्स के पैकेट्स तो शारदा स्कैम वाले भी बना चुके हैं। इस तरह के सवाल हीरा ग्रुप की सारी कंपनीज के मुतालिक हैं। अब बात करते हैं हीरा हज एंड उमरा टूर। हीरा हज एंड उमरा टूर का नाम उनके ब्रोशर्स और वेबसाइट पर रहता है, उसकी खुद की वेबसाइट भी है, लेकिन ये बात बहुत लोगों को पता है कि हीरा हज और उमरा सिर्फ एक ही साल हज टूर पर गया था। उस साल बहुत सारे प्रॉब्लम हुए और हीरा ग्रुप को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए अब वेबसाइट पर सर्विसेज सेक्शन खाली है। हीरा ज्वेलर्स की दुकानों में महीने भर में थोड़े ही कस्टमर लेते हैं, खुद शॉप का खर्च कैसे निकल जाता है वो बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अनवरुल्ला है, मेरी बहू का गोल्ड बिजनेस है हीरा ग्रुप का। ये मासा टैंक के पास इधर आदमी से किसी दो आदमी को बुला के पूछो, सुबह से शाम तक 3 कस्टमर नहीं आते इधर। गोल्ड शॉप बोल के लगा के रखा, क्यों? पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए, पब्लिक से पैसा लेने के लिए। हीरा गोल्ड अपने स्टाफ को यही बताते हैं कि इनके शोरूम्स का मकसद आवाम को सेल करना नहीं, सिर्फ इन्वेस्टर्स को एक सर्विस देना है। हीरा ग्रेनाइट का दावा है कि उनके खुद के प्रोडक्शन यूनिट है और शोरूम्स है, वो कहाँ है, कितना सेल टर्नओवर होता है, कितने स्टाफ काम करते हैं? हीरा डेवलपर्स की वेबसाइट पर ना कोई कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है बताने के लिए। ऐसे कंस्ट्रक्शन की कंपनी तो शारदा स्कैम वाले भी चला चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तरह हीरा कंस्ट्रक्शन भी एक बोगस कंपनी है? हीरा फिनकैप की वेबसाइट ये बताती है कि किस तरह के लोन मिल सकते हैं वहाँ इस्लामिक फाइनेंस के सिस्टम से, लेकिन ये बात बहुत सारे लोग जानते हैं कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं चल रही है। हीरा इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की फोटो है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स पर क्लिक करने पर कुछ भी नहीं होता। हीरा टूर्स एंड ट्रैवल्स की वेबसाइट में दुबई टूर पैकेजेस दिए हुए हैं, लेकिन फॉर्म सबमिट करने पर कुछ भी नहीं होता है। कितने लोग आज तक हीरा गोल्ड से दुबई टूर पर गए हैं और कितने लोग के वीजा उन्होंने प्रोसेस किया है? कितना टर्नओवर हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ? ऐसे कंपनी तो शारदा स्कैम वाले भी चला चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तरह हीरा टूर्स एंड ट्रैवल्स भी एक बोगस कंपनी है? हीरा टूर यूएई नाम की कंपनी की वेबसाइट नहीं चल रही है। हीरा बिल्डिंग मटेरियल्स का ये दावा है कि सारी बिल्डिंग मटेरियल्स में वो डील करते हैं। एड्रेस में वही जमेरा लेक टावर वाली ऑफिस का एड्रेस है, लेकिन वहां कोई बिल्डिंग मटेरियल नहीं मिलता। एक ही जगह पर सोना भी है और सीमेंट भी, या ऐसा कहें ना सोना ना सीमेंट। हीरा डील्स और हीरा बाजार में दूसरी वेबसाइट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स कॉपीड मिलते हैं। ये प्रोडक्ट्स के प्राइसेस आप ऑनलाइन जाकर देखें, इनका प्राइस ₹0 है। जी हाँ, ₹0 मिसाल के तौर पर देखें, ये प्रोडक्ट जो हीरा बाजार पर बिक रहा है वो इस वेबसाइट से कॉपीड है और ये प्रोडक्ट इस वेबसाइट से।
एक भी सेल और डिलीवरी रिव्यू इंटरनेट पर नहीं मिलता है जैसी दूसरी शॉपिंग वेबसाइट्स में मिलते हैं। अगर ऑर्डर करें तो ये कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए है। क्या ये कारोबार है या एक स्कैम है? अब तक कार्ड पेमेंट फैसिलिटी भी नहीं है इस वेबसाइट में। वेबसाइट में ऑर्डर प्लेसमेंट में हीरा डील्स का ऐप भी है जिससे अब तक सिर्फ 100 लोगों ने डाउनलोड किया है। जाहिर सी बात है कि सेल शायद ही थोड़ा होता होगा। तो ये बताएं टोटल सेल कितना होता है और सक्सेसफुल कस्टमर डिलीवरी कितनी हुई? हीरा डायमंड की वेबसाइट बंद है, सक्सेसफुल कस्टमर डिलीवरी कितने है नहीं पता। हीरा गोल्ड की अक्सर वेबसाइट सेल और कस्टमर के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई है। कई वेबसाइट बंद है या अधूरी है। सेल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं शॉपिंग कार्ड नहीं चल रहा है, अक्सर कार्ड पेमेंट फैसिलिटी ही नहीं है, अक्सर डिलीवरी ऑर्डर्स पूरे नहीं होते और ऑर्डर पूरा करने में इंटरेस्ट भी नहीं, ऐसा क्यों? ये सारे सवालों का जवाब इसलिए जरूरी है ताकि हीरा गोल्ड इन्वेस्टर्स को बता सके कि हीरा गोल्ड कोई पॉन्जी स्कीम नहीं। कहीं उनकी बिजनेस कमिटमेंट सर्टिफिकेट दी हुई है, इन सारी कंपनीज का परफॉर्मेंस क्या है? आज तक हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स ने ब्लाइंड फेथ के साथ इन्वेस्ट किया। हीरा गोल्ड से गुजारिश ये है कि इतने साल इन्वेस्टर्स ने कोई प्रूफ देखे बगैर इन्वेस्ट किया, अब प्लीज आप प्रूफ बता दीजिए ताकि पता चल जाए कि आपका बिजनेस बोगस बिजनेस नहीं है। हीरा गोल्ड के मुताबिक कई सवाल हमने अपनी पिछली वीडियो में उठाए थे, कई जवाब दिए जाते हैं लोगों को इत्मीनान दिलाने। अब हम उनमें से कुछ जवाब देखेंगे जो हकीकत में जवाब नहीं है। हीरा गोल्ड की कंपनीज में प्रोडक्ट पैकेजिंग होती हुई वीडियोस उनके यूट्यूब चैनल पर है। ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए ही काम किया जा रहा हो। मिसाल के तौर पर आप उनके यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं, द इंडियन सुपर 100। लेकिन ये इमेज देखें, और अब ये इमेज देखें जो हमने ओरिजिनल इवेंट की वीडियो साइट से लिया है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसी इमेज में फोटोशॉप और मॉर्फिंग के जरिए ये सारी इमेजेस में नोहरा शेख की इमेज एडिटिंग के जरिए डाली गई है। ओरिजिनल इमेजेस में वो मौजूद नहीं है। क्या ये सच्चाई की निशानी है? पहला जवाब जो उन्होंने दिया, लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, फिर गलत कैसे हो सकता है? प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन कहां से मिल रहा है, ये सवाल है। सारे कामयाब बिजनेस साबित करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बोगस स्कीम है? सारी बोगस स्कीम भी अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देते थे लेकिन ये प्रॉफिट नहीं था। बाद वालों का पैसा पहले वालों को दिया जाता था। हीरा गोल्ड एजेंट्स बताते हैं कि 75% प्रॉफिट जो दिया जाता है इन्वेस्टर्स को, वो वापस इन्वेस्टमेंट बनकर आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हीरा ग्रुप के पास आज 50,000 करोड़ है, साल में जब वो प्रॉफिट देते हैं तो उन्हें तकरीबन एवरेज 50% यानी 25,000 करोड़ देना पड़ता है, लेकिन इनमें से कम 75% फिर उनके पास इन्वेस्टमेंट बनकर वापस आ जाता है, यानी तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए फिर उनके पास वापस आ जाते हैं। खास तौर पर जो लोग सालाना या 2 साल वाली स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं उसमें अक्सर पैसा उनके पास वापस आ जाता है। इस तरह से 10 साल तक इन्वेस्टर्स को खुद के ही पैसे वापस मिलते रहते हैं और उसके अलावा तब तक और नए इन्वेस्टर्स भी आते रहते हैं। कुछ वक्त तक अगर कोई भी री इन्वेस्ट ना करे और नए इन्वेस्टर्स ना आए तो खुद पता चल जाएगा कि जेन्युइन है या नहीं। दूसरा जवाब जो उन्होंने दिया कि इतने साल से हीरा गोल्ड काम कर रहा है, अगर कुछ गलत होता तो जरूर अब तक गायब हो गए होते। शारदा स्कैम भी 7 साल चला, पर्ल स्कैम भी 20 साल चला, बहुत सारे स्कैम 8, 10 साल, 15, 20 साल तक चलते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा स्कैम मैडॉफ स्कैम 38 साल तक चला। कई साल चलने से सही है ये साबित नहीं होता। इतने सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो सब गलत कर रहे हैं? शारदा स्कैम में 17 लाख लोग इन्वेस्ट किए थे, पर्ल स्कैम में 5.5 करोड़ लोग इन्वेस्ट किए थे, लेकिन स्कीम झूठी थी। जब इस स्कीम की हकीकत सामने आई तो लाखों जिंदगियां बर्बाद हो गई। अगला जवाब, इतने सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ हीरा गोल्ड वालों की फोटो आती है, इतने सारे पॉलिटिशियंस बोगस स्कीम में भी तो आते हैं। पॉलिटिशियंस को जो डोनेशन देगा वो उनके साथ फोटोज में आते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का दावा, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो बिजनेस की शुरुआत में होता है लेकिन उसके बाद अगर बिजनेस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की जरूरत होती है। एजेंट से पूछें कि क्या उन्होंने हीरा ग्रुप की बैलेंस शीट देखी है। फिर छठा जवाब जो उन्होंने दिया कि हीरा गोल्ड की इतनी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी ऑफिसेज रेंट पर है, लेकिन अगर खुद की भी होती तो सारी प्रॉपर्टी मिलाकर 100-200 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू नहीं है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कंपनी की। हीरा गोल्ड
इतनी जगह पर डोनेशन देता है। अच्छा इत्तेफाक देखें, सहारा बहुत बड़ा स्पॉन्सर था, पूरी क्रिकेट टीम जिसने स्पॉन्सर किया। शारदा स्कैम वाले बहुत डोनेशन देते थे, वर्ल्ड स्कैम भी बहुत डोनेशन देते थे। डोनेशन देने से लोगों में उनके लिए अच्छी फीलिंग्स आती है, लेकिन जब उनकी हकीकत बाहर निकली तब डोनेशन देने से प्रूफ ऑफ बिजनेस नहीं मिलता, हमें प्रूफ ऑफ बिजनेस चाहिए। अगला जवाब जो उन्होंने दिया, हीरा गोल्ड का वेयर हाउस दुबई में है। वेयर हाउस है लेकिन उनमें से बिजनेस का प्रूफ चाहिए। शारदा स्कैम वालों के पास भी वेयर हाउस, फैक्ट्री, ये सारी चीजें थी, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। हीरा गोल्ड का दावा है कि सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस एक्सेट्रा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लोगों को नहीं बताते, इसलिए हीरा गोल्ड भी नहीं बताता क्योंकि ये बिजनेस सीक्रेट है। इल्जाम लगाया गया है कि ये कंपनी जो है कि आज तक जो है बैलेंस शीट शो नहीं करती, लोगों को सीट नहीं बताती। आज तक जितने भी बड़े बड़े कंपनियां आई, जैसे आप रिलायंस को देखिए, आप भी और दूसरे कंपनीज को देखिए, दूसरे तीसरे कंपनीज को देखिए, कोई भी पब्लिक में बैलेंस शीट लेके नहीं फिरता है। कंपनी की प्राइवेसी होती है, कंपनी का बिजनेस होता है, कंपनी का ट्रांजैक्शन होता है, कंपनीज जो भी होते हैं वो कंपनीज जो है प्राइवेसी मेंटेन करती। शायद उन्हें पता नहीं है कि सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेगुलरली फाइल करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर कोई भी अकाउंट देख सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मुताबिक इंडिया में ऑलमोस्ट 11 लाख एक्टिव कंपनीज हैं जो अपने रिटर्न्स रेगुलरली फाइल करते हैं। उनमें से एक कंपनी हीरा गोल्ड भी है जिसने रिटर्न्स 2010 से 2015 पांच साल के फाइल किया है, लेकिन ये क्या है, टोटल शेयर कैपिटल सिर्फ 5 लाख। उनसे भी 98% शेयर्स नोहरा शेख के नाम पर, यानी इन्वेस्टर्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जबकि नोहरा शेख का दावा क्या है। और तीसरी बात, और भी एक बात मैं समझाना चाहती हूँ कि लोग हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे पास ये है क्या, तुम्हारे पास फुलां है क्या, और इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्टर, हमारे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है, हमारे पास जो है वो ओनली जो है गोल्ड ट्रेडिंग करने के कस्टमर है। जैसे कि मेरा कस्टमर आता है मुझे 1 लाख रुपए देता है, तो उसने जो है कि 20 ग्राम सोना जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि उसने जो है कि देता है, तो जो है उसने उतना सोना खरीद लिया। और बाकायदा आप देख सकते हैं कि यूनिट परचेस रिसिप्ट होती है, उनके पास उन्होंने कितने यूनिट परचेस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो रखकर हमारे साथ ट्रेडिंग में शामिल रहना चाहते हैं, तो उसका गोल का रेट अप होना, कम होना, डाउन होना, या खरीद के बेचना उनको मिलता है, या नहीं वो उसी दिन जो है नीचे लिखा गया है टर्म्स कंडीशन में भी, जब चाहे वो अपना गोल्ड भी कलेक्ट कर सकते हैं या पेमेंट भी जो है वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर सारे इन्वेस्टर्स हकीकत में कस्टमर्स हैं तो उनका सेल तो हजारों करोड़ का होना चाहिए, लेकिन टोटल सेल 4 साल का सिर्फ 49 करोड़ है, यानी इन्वेस्टर सेल कस्टमर भी नहीं है। कर्ज कितना है, सिर्फ 5.42 करोड़, यानी इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड कर्ज में भी नहीं है। प्रॉफिट कितना है हीरा गोल्ड एक्सिम लिमिटेड का 4 साल का, सिर्फ 1.19 करोड़। फिर इतना सारा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को कहां से देते हैं, यानी कि फुल ब्लैक मनी और हवाला से ये बिजनेस हैंडल हो रहा है। इसी वजह से हीरा गोल्ड कभी भी इन्वेस्टर्स को टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं दे पाते। हीरा गोल्ड हवाला के एक स्कैम में ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर किए जाने वाला काम कितने दिन तक और बच सकता है। आखिर हीरा गोल्ड बाकी बड़ी कंपनीज की तरह प्रॉपर वाइड कारोबार अकाउंट्स और ऑडिट के साथ क्यों नहीं करता। नोहरा शेख ने टैक्स रिटर्न के मुताबिक फिर ये गलत इन्फॉर्मेशन क्यों इन्वेस्टर्स को दी। इंशाल्लाह इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी पूरी पूरी वफादारी निभा रहे हैं। उसका वैट क्यों ना हो, उसकी सीएसटी क्यों ना हो, उसकी जीएसटी क्यों ना हो, उसका टीडीएस क्यों ना हो, उसका टैक्स क्यों ना हो, टोटल के टोटल हीरा ग्रुप बैंक के थ्रू अदा करता है जो भी है। और वो इंटरनेशनली तौर पे भी जो भी कस्टम ड्यूटीज होते हैं, जो भी लेना देना होता है, जो भी वहाँ के ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ भी करते हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट लोगों को मिलती है तो ये भी पता चलता है कि पैसे कहाँ इन्वेस्टेड है, ताकि अगर कुछ हो जाए तो इन्वेस्टर्स का पैसा कहाँ गया पता रहे। इन दिनों में नेशनल अवार्ड विनर सुचिता दलाल, जो कि इन्वेस्टमेंट राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने हर्षद मेहता और केतन पारेख जैसे बड़े स्कैम पकड़े थे, उन्होंने सभी को ओपन लेटर में कहा है कि हीरा गोल्ड एक स्कैम है और सभी का काम है ये स्कैम पकड़ना। इन दिनों स्कैम कंपनीज पर गवर्नमेंट ने भी अपनी पकड़ टाइट की है और ऑलरेडी 145 कंपनीज की लिस्ट गवर्नमेंट ने निकाली है। यहाँ तक कि नोहरा शेख के ससुर ओपनली कह चुके हैं कि ये सब फ्रॉड का काम है। मेरा नाम मोहम्मद अनवरुल्लाह है, मेरी बहू का गोल्ड बिजनेस है हीरा ग्रुप का। पब्लिक को बोलती मेरा बिजनेस है, टेक्सटाइल मिल है, मिल भी कुछ नहीं है, टेक्सटाइल का बिजनेस कुछ नहीं है उसके पास, हीरा कंस्ट्रक्शन है, हीरा ये है, हीरा वो है, ये सब बोल के पब्लिक से इन्वेस्टमेंट ले। हीरा रोड के अंदर गोल्ड शॉप लगाया, गोल्ड शॉप लगा के बंद कर दिया, और एक जगह बॉम्बे में गोल्ड शॉप लगाया बंद कर दिया,
तो गोल्ड शॉप सिर्फ लगाते हैं पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। तो मैं ये चैनल के थ्रू, ये नवीरा शेख, मैं चैनल के थ्रू ये बोल रहा हूँ कि बॉम्बे में, पूना में, हैदराबाद में इसका जितना इन्वेस्टर्स है वो सब अपना पैसा वापस ले रहे हैं। हीरा गोल्ड की बैलेंस शीट अब इंटरनेट पर आउट हो चुकी है। इसी चीज से डर कर कंपनी ने अचानक शेयर कैपिटल 5 लाख से 4.5 करोड़ कर दिया। हीरा गोल्ड ने अपनी एक कंपनी का शेयर कैपिटल लोगों को जवाब देने के लिए बढ़ा दिया, लेकिन हम आपके सामने हीरा गोल्ड की कंपनी के बारे में मालूमात दे रहे हैं जिनकी चर्चा अब तक नहीं हुई है। अक्सर कंपनीज का शेयर कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए है। हीरा डेवलपर्स जिसका कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए है, हीरा फूडेक्स जिसका ऑथराइज कैपिटल 5 लाख है और पेड अप कैपिटल 1 लाख है। कई कंपनीज की ऑडिट कई साल से नहीं हुई है और रिटर्न्स कई साल से फाइल नहीं हुए। किसी भी कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। हीरा गोल्ड की 20 कंपनीज की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं उनकी कोई भी कंपनी 2008 से पुरानी नहीं है, फिर भी वेबसाइट पर दावा है कि ये बिजनेस 1998 से चल रहा है। और एक बात जो कही जाती है, इतने सारे बड़े बड़े उल्मा हीरा गोल्ड के साथ है। उल्मा है, लेकिन क्या उन उल्मा ने हीरा गोल्ड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट देखी है? क्या उनके पास सारे सवालों के जवाब हैं? जरूर उनसे पूछें। कई उल्मा अब ओपनली वार्निंग देने लगे हैं। कई फतवे हीरा गोल्ड के खिलाफ आ चुके हैं। एक फतवे में वाजे तौर पर यह भी कहा गया है कि जो भी पैसे अपनी असल मुद्दत से ज्यादा इन्वेस्टर को मिले हैं वो हराम है और नाजायज है। हीरा गोल्ड ने इससे मसलकी मसला बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये बात वाजे है कि सारे मसलकों के नजदीक पोंजी और स्कैम स्कीम में इन्वेस्ट करना और करवाना हराम है। अगली बात जो कहते हैं कि अगर कुछ रॉन्ग होता तो गवर्नमेंट जरूर रोकती। तो क्या गवर्नमेंट ने पिछली बोगस स्कीम रोकी थी? गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां होती हैं। बोगस स्कीम से लोग माली तौर पर बर्बाद हो जाती है। आज कितने सारे लोगों ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, दुकानें बेच दी, घर बेच दिया और हीरा गोल्ड में इन्वेस्ट किया। लोग घर बैठकर हीरा गोल्ड की कमाई खा रहे। अगली पीढ़ी के हाथ से बिजनेस की काबिलियत जा रही है। इंडिया में रिसेशन आया है, सब बिजनेस डाउन है। 2008 से 2016 तक हीरा गोल्ड के प्रॉफिट पर कभी किसी मार्केट प्रॉब्लम का असर ही नहीं पड़ा। हर मार्केट के हाल में हीरा गोल्ड की हर कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कर रही है। प्रॉफिट के हिसाब से हीरा गोल्ड ग्रुप ने हाईएस्ट डिविडेंड देने वाली कंपनी से बहुत ज्यादा दिया है। क्या हीरा गोल्ड एक जेन्युइन बिजनेस है या बोगस स्कीम? अब प्रूफ की जरूरत है। बोगस स्कीम की ग्रोथ बहुत तेजी से हो जाती है। आज अगर 50,000 करोड़ से ज्यादा है तो कल 5 लाख करोड़ होगा। बहुत जल्द हीरा गोल्ड बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को खत्म कर देगा। उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब हीरा गोल्ड जरूर देगा। इन्वेस्टर से ये गुजारिश है कि ये सवाल हीरा गोल्ड से जरूर पूछे, उनके एजेंट से पूछे, सपोर्टर से पूछे। एजेंट्स और सपोर्टर के लिए भी जरूरी है कि वो जान ले कि हकीकत क्या है। याद रखिए कि पिछली सारी पोंजी और स्कैम स्कीम्स के जिम्मेदार जब फरार हुए तब लोगों ने एजेंट्स और सपोर्टर्स को ही पकड़ा और उनका जीना मुश्किल कर दिया। इन्वेस्टर्स को जो पैसे मिल रहे हैं वो हलाल प्रॉफिट है या बाद वाले लोगों का पैसा जो उनके लिए हराम कमाई है? क्या एजेंट्स को जो कमीशन मिल रहा है वो उनके लिए हलाल कमाई है या लोगों को एक बगैर प्रूफ की स्कीम में इन्वेस्ट कराने का गुनाह? गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस प्रेजेंटेशन में पेश किए हुए सवालों की बुनियाद पर इन्वेस्टिगेशन करें और क्लियरली बताएं कि हीरा गोल्ड की हकीकत क्या है।